हाय गाइस, अमराज शर्मा। याद है पिछली बार ही हमने डायरी बनाया था? तो डायरी मैंने बनाया था अपने पर्सनल यूज के लिए। उसका रेपो भी मैंने, जो गिटहब रेपो, वो भी मैंने प्राइवेट रखा था। लिंक भी आपको नहीं दिया था, सिर्फ आपको दिखाया था कि ऐसी मैंने डायरी बनाई है, किसी को गिफ्ट किया था। सो डेवलपर है तो चलो किसी को वेबसाइट गिफ्ट करता है, ऐसे करके बना लिया था सिर्फ। फिर जब वो वीडियो मैंने अपलोड किया तो फिर आप लोगों ने बोला कि भाई हमें इसकी लिंक तो दो ताकि हम देख सकें इसको। ओके, सो उसी से मुझे आइडिया आया कि वो मेरा प्राइवेट था, इसमें क्या चेंजेस करूं कि आप लोग को लिंक शेयर करूं तो कोई दिक्कत ना हो। और अगर आप चाहो तो आप भी उसमें यूजर, एज ए यूजर आप भी उसे यूज कर सकते हो। सो मैंने उसमें बहुत ही बढ़िया चेंजेस किया है, आपको दिखाता हूँ। मस्त, बिल्कुल आप भी उसे यूज कर सकते हैं। सो अगर मैं कहूँ तो ये इसका पहला इंटरफेस है, होम पेज है उस वेबसाइट का। पहले भी ऐसे ही था। ये फोटो चेंज किए, जो मेरी यहाँ पे मैंने पर्सनल फोटो लगा रखी थी, पर यहाँ पर कॉमन फोटो लगा दी। ओके, और यहाँ पर अगर आपको नोट लिखना है तो ये पेज था, और ये वाला गैलरी पेज था, ये माय डायरी सेक्शन था। सो सबसे पहले अपन आते हैं, यहाँ पर मैंने घड़ी को ऐड कर दिया, टाइम आप देख सकते हो अगर आपके पास घड़ी नहीं है तो। देन ये जो आपको दिख रहा है शिवा, ये मैं लॉग इन हूँ इसमें एज ए शिवा। तो शिवा का ये अकाउंट है, ये नोट शिवा ने लिखे हैं, ठीक है? ये सारे नोट शिवा ने लिखे। देन गैलरी में ये जो फोटोज हैं, ये शिवा ने ऐड किए, ये इतने। देन नोट यहाँ से शिवा लिख सकता है, ये ऐसा कुछ इंटरफेस रहेगा। सो ये शिवा का अकाउंट है, ये शिवा की चीजें जो भी है इसमें सारी चीजें। अब हम एक फ्रेश यूजर, ठीक है, लॉगिन करते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ से हम रजिस्टर करते हैं एक नया यूजर। सो मैं करता हूँ राहुल, करता हूँ राहुल, है ना, मैं राहुल हूँ। अब राहुल वर्मा इसमें लॉगिन करेगा। सो यहाँ पे लिखेंगे राहुल @gmail.com। देन राहुल का जेंडर मेल ही है, एंड मैं डालता हूँ 2 3 4 5 6, पासवर्ड डालता हूँ, अलग तो नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये राहुल का पासवर्ड है। देन सी और रहता है राहुल। देन जब रजिस्टर करेगा राहुल, ठीक है, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब राहुल करेगा लॉग इन @gmail.com। राहुल के पासवर्ड थे कुछ, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब राहुल लॉगिन हो चुका है भाई। अब राहुल की आप डायरी देखोगे ना, तो इसकी डायरी में कुछ भी लिखा हो नहीं, क्योंकि वो शिवा की डायरी थी। ये राहुल की डायरी है, इसमें चार फोटोज ही है, तो स्टैटिक सबको मिलेंगे, ये वैसे मैंने बस ऐड कर दिया। अब अगर इस गैलरी में अगर राहुल ऐड करना चाहे तो राहुल एक फोटो ऐड करना चाहता है, मान लो कि, ठीक है। सो वो यहाँ पर से फोटो को सिलेक्ट करके क्लिक टू ऐड बटन पे क्लिक करेगा। देन देखते जादू, राहुल ने फोटो ऐड कर दिया, मस्त उसके अकाउंट में ऐड हो गया। और ये राहुल ही देख सकता है, कोई और नहीं देख सकता। अब हम यहाँ पे एक नोट भी ऐड कर सकते हैं, दिस टाइटल, तो इसमें लिखते हैं दिस इज डिस्क्रिप्शन, राहुल। ओके, यहाँ पे एक राहुल का फोटो भी ले लेते हैं। राहुल का फोटो हमने ये वाला लिया था उसकी गैलरी में। एक्चुअली में ये सर का फोटो है, आइए सर है नसाई के। तो अब ऐड करते हैं नोट, तो नोट ऐड कर दिया। अब हम चाहेंगे माय डायरी, ठीक है, ये राहुल ने ये नोट लिखा, ये फोटो बड़ा है इसलिए ऐसा आ रहा है, डिस्क्रिप्शन इतना बड़ा नहीं लेकिन फोटो बड़ा है। तो ये नोट है, तो राहुल चाहे तो नोट भी लिख सकता है, उसका नोट वही देख सकता है गैलरी में, राहुल उसके फोटो ऐड कर सकता है। और यहाँ पे आपको मैंने दिखाई दिया कि ये होम पेज रहेगा, ये आपका ऐड टू कार्ड, हम बोल सकते हैं कि यहाँ से आप ऐड कर सकते हो गैलरी में, तो वहीं पे आपकी गैलरी रहेगी, वहीं से आप ऐड कर सकते हो। अब एक बार और हम अगर इसको देख सकते हैं कि वापस शिवा को लॉगिन करते हैं। ओके, शिवा वर्मा @gmail, यहाँ पर सजेशन दे ही तो रहे हैं, 1 2 4 5 6, बहुत शिवा लॉगिन, शिवा लॉगिन हो चुका है, शिवा की गैलरी देखते हैं। ओके, ये है भाई शिवा की गैलरी, ठीक है। देन ये है शिवा का नोट,
अब आ गया समझ में, हर एक यूजर जो चाहे वो अपना अकाउंट अलग बना सकता है, अपनी चीजें अलग अलग एडिट कर सकता है, मस्त। तो भाई कैसी लगी? आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये। तो अगर अच्छी लगे तो भाई फीडबैक जरूर देना कि कैसी क्या बनाई है मैंने, और अगर चाहो तो यूज भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। इसकी लिंक मैं दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।